सब्जेक्टिव शीट नंबर 44 में अगर आपने ट्राई की हो, बहुत ही बेसिक, सिर्फ एक ही फॉर्मूले को वो यूज़ करे जा रहा है बार बार। तो इसके अंदर जैसे बस ये देखना है कि इसमें फॉर्मूला क्या यूज़ करना है। रेक्टेंगुलर कॉइल है जिसका एरिया, इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेना, कंसिस्टिंग ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स एन पता है, मैग्नेटिक फील्ड आपको बी पता है, और वो कह रहे हैं व्हाट करंट शुड बी मेड टू पास थ्रू इट टू कीप इट इन इक्विलिब्रियम एट एन एंगल ऑफ एल्फा, एल्फा भी पता है, गिवन टॉर्शनल कॉन्स्टेंट आपको के पता है, तो के की वैल्यू भी पता है। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, जब ये न्यूमेरिकल पेपर में आएगा, कहाँ लिखा ये गैल्वेनोमीटर का न्यूमेरिकल है, क्या चीज ऐसी बता रही है कि गैल्वेनोमीटर है, सिर्फ टॉर्शनल कॉन्स्टेंट, नहीं तो ऐसा फील आ रहा है जैसे टॉर्क की प्रॉब्लम है। शुरू शुरू में लग रहा है कि एक क्वाइल को मैग्नेटिक फील्ड में सस्पेंड किया एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, तो टेंशन होगी, कॉस लगेगा कि साइन लगेगा, चेक कर लो, तो नहीं पता लग रहा ये टॉर्शनल कॉन्स्टेंट है। लेकिन जब उसने बोला कि व्हाट करंट शुड बी मेड टू पास थ्रू, मैं कितना करंट पास करूं कि 45 डिग्री पे टर्न कर जाए क्वाइल, और टॉर्शनल कॉन्स्टेंट गिवन है, टॉर्शनल कॉन्स्टेंट का मतलब ये मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर का केस है, इसका मतलब यहां पर जो करंट है वो एन बी सॉरी क्या फॉर्मूला था, के के इंटू एल्फा बाय एन बी ए लगा लेना, इसमें अल्फा पता है, के पता है, एन पता है, बी पता है, ए पता है। इम्पॉर्टेंट ये कि इसमें जो एंगल पता है अल्फा, उसके यूनिट्स क्या हैं, डिग्री 45 डिग्री डिग्री है, और के टॉर्शनल कॉन्स्टेंट भी किसमें पर डिग्री अलाउड है, वैल्यू पुट करो सही आंसर आएगा। कहीं ऐसा ना हो जाए कि टॉर्शनल कॉन्स्टेंट तो रेडियल में चल रहा है और एंगल चल रहा है डिग्री में, पक्का क्वेश्चन गलत होगा। तुम पहले के यूनिट देखोगे, अगर पर डिग्री है उसको डिग्री रहने दो, और अगर पर रेडियन है तो फिर ये रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा एंगल, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है, दोनों की सिमेट्री जरूरी है और देखना बहुत जरूरी है, तुम ही देखोगे और कोई दिखाएगा नहीं, तुम ही देखना पड़ेगा, नहीं तो फिर गलत आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर वन के बाद क्वेश्चन नंबर टू में, कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स एन पता है, यहां से एरिया निकाल लेना, सस्पेंडेड यूनिफॉर्म रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, देखो रेडियल का मतलब है जब भी गैल्वेनोमीटर की प्रॉब्लम आएगी तो हम कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के साथ ही रखते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड में साथ रखने को ही बोलते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसमें बी गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड 2000 गॉस है, तो हम काम करते हैं किसमें, टेस्ला में, तो 10^-4 से मल्टीप्लाई करके टेस्ला ले लेना। करंट पता है आपको इसमें आए 10^4, और एंगुलर डिफ्लेक्शन इसमें अल्फा भी पता है, फाइंड टॉर्शनल कॉन्स्टेंट। अगर तो ये क्वेश्चन आ गया ऑब्जेक्टिव में, और टॉर्शनल कॉन्स्टेंट के अंदर यूनिट्स तुम्हें दिख रहे हैं पर रेडियंस, तो तुम्हें 45 डिग्री को पहले से ही किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, इस 30 डिग्री को रेडियंस में, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और ज्यादातर जो ऑप्शन है ऑब्जेक्टिव वो पर रेडियंस में आंसर देती है, तो तुम्हें 45 डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, पाई बाय 4 रेडियंस के लेना पड़ेगा, ठीक है यहां तक। तो अब आपको इसमें क्या निकालना है, टॉर्शनल कॉन्स्टेंट, देखो तुम्हें फॉर्मूला तो सिर्फ और सिर्फ एक ही आता है, आई इज इक्वल टू कितना, के अल्फा बाय एन बी ए, तुम्हें इसमें के निकालना है, अल्फा को रेडियन में पुट करना, एरिया बी एन आई सब पता है, के निकाल देना आंसर। मेथड समझ में आ रहा है कि वो सिमेट्री कैसे चेक करनी है। हाँ अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है फिर कोई दिक्कत है, फिर पर आप मत कन्वर्ट करना चाहे, आप इसको आंसर पर डिग्री कराना तब भी ठीक है, पर ज्यादातर पर रेडियंस में काम करता है, ऑब्जेक्टिव आएगा रेडियंस में ले लेगा वो, ठीक है यहां तक। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज प्लेस्ड इन अ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ, फील्ड तो हमेशा ही रेडियल होता है, बी पता है, नंबर ऑफ टर्न्स इसमें एन पता है, एरिया ए पता है, टॉर्शनल कॉन्स्टेंट के पता है, और पर डिग्री रेस टू पावर माइनस वन कर लेना, पर डिग्री पता है, फाइंड मैक्सिमम करंट क्या होगा, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, इसमें तो के अल्फा बाय एन बी ए करंट निकालना है, वैल्यू पुट करके आंसर, कुछ करना ही नहीं है इसमें, तो वैल्यू पुट करो आंसर, ठीक है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, कॉइल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हैज इतनी लेंथ एंड इतनी वाइड, तो एरिया आ जाएगा मीटर स्क्वायर में, नंबर ऑफ टर्न्स आ जाएंगे
मैग्नेटिक फील्ड बी आ जाएगा, टॉर्शनल कांस्टेंट के आ जाएगा पर डिग्री में, करंट सेंसिटिविटी निकालनी है, जो करंट सेंसिटिविटी है उसका फॉर्मूला क्या था, एन बी ए बाय के, पुट करके आंसर, कुछ करना ही नहीं है, फॉर्मूला पुट करना है एन बी ए बाय के, एन पता है, बी पता है, ए पता है, के पता है, आंसर ठीक है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें? ठीक है, जैसे कॉइल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज ट्विस्टेड थ्रू 45 डिग्री अल्फा, करंट पता है माइक्रो एम्पियर, एरिया ऑफ कॉइल ए पता है, नंबर ऑफ टर्न्स पता है, आपको इसमें बी निकालना है, और याद रखना रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट को बोलते हैं टॉर्शनल कांस्टेंट, टॉर्शनल कांस्टेंट का दूसरा नाम है रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट। तो फिर से वही फॉर्मूला, आई इज इक्वल टू के एल्फा बाय एन बी ए, इस बार आपको बी निकालना है, तो के एल्फा बाय एन ए इंटू आई, वैल्यू पुट करके बी निकाल लेना आंसर, मतलब पूरी शीट में केवल ए की फॉर्मूला यूज हो रहा है और वो आई का फॉर्मूला, कभी वो उसमें आई पूछ रहा है, कभी बी पूछ रहा है, कभी एरिया पूछ रहा है, कभी एन पूछ रहा है, कभी के पूछ रहा है, पूरी शीट में कुछ नहीं है, बस ए की फॉर्मूला यूज हो जा रहा है।